I think it's been a very, very positive development for the country. आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में कुछ सालों से लोग सोच रहे हैं कि शायद मोदी जी के भाषण और उनका जो जो शब्द हैं लोग उस पर पूरा भरोसा करके उनको आगे आगे सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि जिस तरह की जुमलेबाजी हमारे देश में देखे हैं लोग ये समझ लिए कि इसमें असलियत नहीं है। और अब तो लग रहा है कि तीन प्रदेश में बीजेपी का हार अभी काफ़ी क्लियर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि बदलाव का समय आया है और इस बदलाव से कांग्रेस पार्टी के जो पॉजिटिव प्रोग्राम्स है देश के लिए हमें लोगों को सामने दिखाने का मौका मिला है। I'm not a member of the legislature party. I'm not a voter. But there is of course a big fight between Sindhia. No, no fight. No, no fight. No conflict. No conflict. But sir, are you saying that you will confidently hit the magic number and you don't need any support? Yes. We'll have a majority, clear majority. But have you reached out to SP and BSP, sir? Is that option open? That is for the leadership to decide. मैं उसे कांग्रेस की जीत नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं ये जनता का रोष है। जनता ने हमें ये विजय प्राप्त कर दिया था, उस वक्त शुरुआत यहां से हुई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से विजय यात्रा निकली थी और लगता है वहां ही पूर्ण विराम मिल गया है। हमको सोचना पड़ेगा ये क्यों हुआ है, खास करके एनडीए के जो हमारे सभी अलायंस थे वो भी हमें छोड़कर एक 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 चले जा रहे हैं। शिवसेना भी इतनी खुश नहीं थी, ना है आज भी, जिस तरह से देश का कारोबार चल रहा था। लेकिन हमें आत्मचिंतन की, सिर्फ चिंतन की नहीं, आत्मचिंतन की जरूरत है। अभी रुझानों से स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो भी विधायक जीते हैं उन्हें बधाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां जीती हैं उनको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का? नहीं नहीं, कर करा कर करा राज्य सरकार के साथ, यह तो राज्य सरकारों के परफॉर्मेंस पर भी सुना होगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी की कोई जगह है? हम लोगों ने दो महीने में सिंबल मिला, उसको लोगों तक पहुंचाने में प्रयास किया और उसके बावजूद हम लोग जितनी सीटें जीत रहे हैं, जितना प्रतिशत वोट हमको मिल रहा है, उससे हमको बहुत संतोष है। हमने छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। दो पार्टी सिस्टम की जगह यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी का भी उदय हो गया है।